हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV एकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास 8 विच सब्जेक्ट पंजाबी दा लेसन नंबर थ्री दे प्रश्न उत्तर जो करवा रही सी अगे करवाऊंगी, जिन्हें उच्च प्रश्न उत्तर तक करवाते सी, टिकआउट भी करवाए सी, हुण अगे वाकां विच वरतोए करवाणा है। लैसन दा नाम की है? राणी साहिब कौर। राणी साहिब कौर बारे आपां पढ़िया सी इस लैसन विच कि किस तरह उस बहादुर औरत ने अपनी पेक्यां दी रियासत दी देखभाल कीती ते उहनूं दुश्मनां तों बचाया, अगे होके आप लड़ी, सारी सेना नूं इकट्ठा कीता। पटियाले दी राजा अमर सिंह दी बेटी सी सराणी साहिब कौर, उन्हां दा एक ही बेटा सी अमर सिंह जी दा साहिब सिंह। जदों छोटी उम्र च उन्हां दी मौत हो गई तां साहिब सिंह नूं राजगद्दी ते बैठना पिया, जदों सिर्फ उसकी उम्र 7 साल तो भी घट सी। इस तरह आपां इह लैसन पढ़िया है, पाठ पढ़िया है, हुण आपां इस दे वाकां विच वरतो ये तुसी कर सकदे हो, करोगे। मैं थोड़ा बहुत इहदे बारे दसांगी, तुसी लिखना तो लिख भी सकदे हो। प्रबंधक देखो, फर्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन दा, हेठ लिखे शब्दां नूं वाकां विच वरतो। पहला की है प्रबंधक। प्रबंधक प्रबंध करन वाला। राणी साहिब कौर एक चंगी प्रबंधक सी। लिख लिया सबने? अपनी तरफ तो भी बना के लिख सकते हो, पाठ के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। हुण अगे है निगरानी। राणी साहिब कौर दी निगरानी हेठ राज दे सब काम होण लगे। निगरानी यानी देखभाल। राणी साहिब कौर दी निगरानी हेठ पटियाला राज दी सब काम होण लगे। अचनचेत दा मतलब हुंदा है अचानक। यानी अचनचेत यानी अचानक ये लिखना तुसी वाक विच आऊगा अचनचेत। दुश्मना ने हमला कर दिता। लिख रहे हो सभी? सब लिख रहे होंगे मैं उम्मीद है। अगला है सलाह। रानी साहिब कौर ने अपने राज दरबारियां नाल सलाह कीती। रानी साहिब कौर ने अपने राज दरबारियां नाल सलाह कीती। अगे बहादुरी। रानी साहिब कौर युद्ध विच बहुत बहादुरी नाल लड़ी। लिखो अगे इस दवाक। राणी साहिब कौर युद्ध विच बड़ी बहादुरी नाल लड़ी। समझा गए वाक्य? उसे अपनी तरफों भी लिख सकते हो, पर जो मैं करवाए इस तरह भी कर सकते हो। बुक पेज 14 और बुक में पेज 15 दे चलांगे। खाली थावां भरो। प्रश्न नंबर 5, खाली थावां भरो। फर्स्ट नंबर 3, राणी साहिब कौर ब्लैंक है, फिर ते सरदार फिर ब्लैंक नाल व्याई हुई सी। ब्लैंक 2 है, इस विच खाली स्थान 2 है। राणी साहिब कौर फतेहगढ़ दे सरदार दा की नाम सी जैमल सिंह नाल व्याई हुई सी। दूसरे नंबर ते है राणी साहिब कौर ब्लैंक यानी खाली स्थान आ गई,
किथे आ गई? पटियाले। किथे आई सी? पटियाले। तीसरा नंबर बीपी साहिब कौर दा, फिर ब्लैंक आ गया, उबाले खान लग गया, खाली स्थान च की परांगे? खून। बीपी साहिब कौर दा खून, उबाले खान लगा, फोर्थ फिलअप है, फिर इन दो ब्लैंक है, दोहां तिरां दी फिलअप है, अगे दी फिर फिलअप है, लगी हुई सी की लगी सी दोहां तिरां दी? सिर तड़ दी बाजी। की लगी सी? सिर तड़ दी बाजी लगी हुई सी। फिफ्थ नंबर ते बहादुर सिंघनी ने सिख धर्म ते देश दी की बचा लीती? इज्जत। की बचा लिया? इज्जत बचा ली बहादुर सिंघनी ने, सिख धर्म ते देश दी इज्जत बचा ली। हुण फिर इन पढ़ांगे, देखांगे, सुनांगे, लिखांगे, नोटबुक च भी कराने तुसी। खाली थामा भरो है। फस्ट नंबर ते रानी साहिब कौर फतेहगढ़ दे सरदार जैमल सिंह नाल व्याई हुई सी। इस विच दो फिलअप है, जिहदे पहले फिलअप च है फतेहगढ़ ते दूसरे विच जैमल सिंह। थर्ड सेकंड नंबर ते है रानी साहिब कौर, फिर फिलअप है पटियाले आ गए, पटियाले फिलअप च आएगा। आ गई बीबी साहिब कौर दा खून, उबाले खान लगा, खून की है फिलअप है, दोहां तिरां दी सिर तड़ दी बाजी लगी होई सी। कादी लगी सी? सिर तड़ दी बाजी। बहादुर सिंघनी ने सिख धर्म दे ते देश दी की बचा लीती? इज्जत। इज्जत नू की करना है? फिलअप च करना है। ठीक है, समझ आ गया नी सबनों? सिक्स्थ नंबर ते हेठ लिखे शब्दों हिंदी ते अंग्रेजी विच लिखो। हिंदी शब्द है, अंग्रेजी है, पहला पंजाबी च दे रखे है, फिर उन्होंने हिंदी लिखनी है, फिर अंग्रेजी इंग्लिश च लिखना है। फस्ट नंबर ते बहादुर, हिंदी च भी बहादुर, इंग्लिश ब्रेव, बी आर ए वी ई ब्रेव। सेकंड नंबर ते खबर सूचना न्यूज़, सूचना हिंदी च, न्यूज़ अंग्रेजी च एन ई डब्ल्यू एस न्यूज़। थर्ड नंबर ते खून, हिंदी च इसनों खून भी कह सकते हैं, रक्त भी कह सकते हैं, इंग्लिश ब्लड, बी एल डबल ओ टी ब्लड। फोर्थ नंबर ते लोथ, लोथ किसनों कहते हैं हिंदी च? लाश नू लोथ बोलते हैं, पंजाबी च लोथ, लाश हिंदी च लात, लाश और इंग्लिश कॉर्प्स, कॉर्प्स सी ओ आर पी एस ए। अगे है फौज, हिंदी च फौज, इंग्लिश आर्मी ए आर एम वाई आर्मी। फिर इनू देखांगे ते अपनी नोटबुक च करांगे। फर्स्ट नंबर ते बहादुर, बहादुर ब्रेव। सेकंड नंबर ते खबर सूचना न्यूज़। थर्ड नंबर ते खून, खून रक्त भी हो सकता है, रक्त ब्लड, इंग्लिश ब्लड। फोर्थ नंबर ते लोथ, लोथ लाश नू कहंदे, डेड बॉडी नू की कहंदे? लोथ पंजाबी च, हिंदी च लाश, अंग्रेजी च कॉर्प्स सी ओ आर पी एस सी। अगेन फिफ्थ नंबर ते फौज, फौज आर्मी ए आर एम वाई आर्मी। मैनू उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होने, तुसी इहनू करोगे अपनी नोटबुक च। निकक्का नंबर है हेठ लिखे शब्दों नू शुद्ध करके लिखना है। ये गलत वर्ड दे रखे अगे, सही करके लिखना है। फस्ट नंबर ते है प्रबंधक, पप्पा रारा है ना, पप्पे दे पैर विच रारा आएगा, पर बंधक बाकी उमें दा उमें।
सैकेंड नंबर ते फतेहगढ़, फतेह ते फै दे पैर विच बिंदी बाकी सेम फतेहगढ़। थर्ड नंबर ते महकमा, मम्मे ते जो मात्रा है वह हट जाएगियाँ, आहे ते सियारी लग जू, महकमा बन गया। फोर्थ नंबर ते बैरी, इसनू वैरी लिखांगे, वैरी बब्बे दी जगह ते वा आ जाएगा। फिफ्थ नंबर ते तूफान, तूफान वैसे तो सही है पर फफ्फे दे पैर विच बिंदी नहीं लगी, सिर्फ देखो इधर फफ्फे दे पैर विच तुसी बिंदी लगा के सही लिखना है इसनू। पहला है फिर वेखांगे इनू प्रबंधक, पप्पे दे पैर विच रारा आएगा, नाल नहीं आएगा, पप्पा है पैर विच रारा प्रबंधक। फतेहगढ़, फतेहगढ़ दी फफ्फे ते बिंदी आ जाएगी बाकी सेम। थर्ड नंबर ते महकमा, मम्मे ते मात्रा हट जान गया, आए ते सियारी लगूगी महकमा। फोर्थ नंबर ते बैरी, वैरी बब्बे दी जगह ते बब्बा। फिफ्थ नंबर ते तूफान, तूफान नू मैं उम्मीदों में लिखना है, फफ्फे दे पैर विच बिंदी लगेगी बस। ये तुसी अपना वर्क है जो अपनी नोटबुक च करोगे, साफ सुंदर करोगे। लैसन कंप्लीट हो गया है, अगली वीडियो च अगला लैसन पढ़ांगे। तुसी इन्ना 3 दे 3 लैसन अपने कंप्लीट कर लेने हैं और इन्हां नू लर्न भी करने नाल नाल। तुहानू पता ही है बोर्ड दी क्लास है, तैयारी हुणे करनी शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, फोन नू पढ़ाई लई वरतो और गेम्स वगैरह नहीं देखनी, अपना ध्यान पढ़ाई च लगाओ क्योंकि हुण COVID-19 चल रहा है जिस करके तुहाडा स्कूल नहीं लग रहा, पर प्रिंसीपल सर ने यह तुहानू पढ़ाई है जो करी करवाई जा रही है। प्रिंसीपल सर कह रहे हैं कि उन्हों बच्चे पढ़ाई तो एवें ना रहन, ता करके उन्होंने तुहाडी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कीतियां हैं। तो तुसी इस प्रिंसीपल सर का मान रख के पढ़ना है, अपने पेरेंट्स का भी मान रखना है, अपने पेरेंट्स का कहना मनना है और इस वर्क नू भी सुंदर सुंदर साफ साफ जरूर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।